ओम शांति। आज का प्रश्न है, ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा? ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा? तो पहले हम थोड़ा सा चरण कर लेते हैं, सभी आंसर देंगे। ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा? फेथफुल होगा, राइट? डबल लाइट, बेफिक्र, हल्कापन जी, बोझ नहीं, वही हल्कापन, डबल लाइट, केयरफुल होगा, डिटैचमेंट होगा, और हलचल भी नहीं आएगा, आकर्षण से मुक्त, और साक्षी भाव, मेरापन नहीं, रिस्पॉन्सिबल होगा, अनासक्त होगा, पालना अच्छी करेगा, और अच्छा लड़ोल रहेगा, तो बेफिक्र बैठा हो गया। तो दुनिया में भी जैसे लॉ में ट्रस्ट के एक्ट होते हैं, एक इंडियन ट्रस्ट एक्ट होता है और एक स्टेट, हर स्टेट के अपने अपने ट्रस्ट एक्ट होते हैं। जैसे बॉम्बे में है तो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, राजस्थान का राजस्थान ट्रस्ट एक्ट है, तो हर स्टेट का अपने स्टेट लेवल पे भी अलग अलग मतलब ट्रस्ट के लॉ होते हैं। और ट्रस्ट में भी जैसे दो टाइप के ट्रस्ट होते हैं, एक प्राइवेट ट्रस्ट होता है और एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है। तो प्राइवेट ट्रस्ट जो होता है वो कोई व्यक्ति होता है, उसके पास अगर बहुत संपत्ति है और उसको, या उसके अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और वो शायद जाने वाला है, या कभी ऐसा होता है कि उसके जो भी बच्चे हैं वो अगर लायक नहीं है इतने, उसको अगर फेथ नहीं है अपने बच्चों में, तो कोई कुछ लोगों को वो ट्रस्टी बना देते हैं और उस ट्रस्ट के अकॉर्डिंग, वो जो ट्रस्ट डीड बनता है उस अकॉर्डिंग उनको कारोबार करना होता है, जो भी संपत्ति है या जो धन है जैसे भी है उन सब का कारोबार करना होता है, कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसको कहाँ देना है, किसको देना है। और चैरिटेबल ट्रस्ट जैसा होता है, जैसे हमारा वर्ल्ड रिन्यू स्पिरिचुअल ट्रस्ट है या ग्लोबल हॉस्पिटल का ट्रस्ट है, तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट में चैरिटेबल वर्क होते हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें पैसा लगाते हैं और कुछ जो ट्रस्टी होते हैं तो वो उसका चैरिटेबल वर्क करते, मतलब दुनिया के लोगों के जो फायदा के लिए वर्क करते हैं। जैसे हम जानते हैं ना, हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में अधिकतर काम फ्री होता है या बहुत कम पैसे में होता है, क्योंकि इसका उसका उद्देश्य क्या है ट्रस्ट का, कि हम लोगों की सेवा करें। तो इस प्रकार से ट्रस्ट बनते हैं और ट्रस्ट में ट्रस्टीज नॉमिनेट किए जाते हैं। तो यहाँ बाबा ने ट्रस्टी की अलग ही डेफिनेशन बताई है ना, भले वो क्वालिटीज जो है वो आती है इसमें भी, लेकिन यहाँ बाबा ने अलग बताया है, तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें से आंसर्स भी आ गए हैं। उत्तर है, जो ट्रस्टी होगा उसका विशेष लक्षण सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा, डबल लाइट अनुभव करेगा, शरीर के भान का भी बोझ ना हो, इसको कहा जाता है ट्रस्टी। अगर देह के भान का बोझ है तो एक बोझ के साथ अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का यह साधन है। तो चेक करो बॉडी कॉन्शियस अर्थात देह भान में कितना समय रहते। जब बाप के बने तो तन मन धन सहित बाप के बने हो ना, सब बाप को दे दिया ना। अगर मान आता है तो सिद्ध है, दे करके फिर लेते हो। अभी अभी दिया, अभी अभी लिया, यह खेल करते हो। ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं। जब मेरापन समाप्त हो जाता तो लगाव भी समाप्त हो जाता है। ट्रस्टी बंधन वाला नहीं होता है, स्वतंत्र आत्मा होता है। किसी भी आकर्षण में परतंत्र होना ट्रस्टीपन नहीं है, ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र। तो जो ट्रस्टी की डेफिनेशन बाबा ने बताई है, कि देह भान का भी बोझ ना हो, शरीर के भान का भी बोझ ना हो, ऐसी डेफिनेशन दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है, है ना। तो यहाँ बाबा ने तीन पार्ट जैसे बताए हैं, एक है डबल लाइट,
दूसरा है मेरापन समाप्त, लगाव समाप्त, और तीसरा है स्वतंत्र। तो डबल लाइट किन किन चीजों में बनना है? हाँ, उसमें डबल लाइट बनना है, उससे डबल लाइट बनते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा से, संबंध संपर्क में और परिस्थिति में। हाँ, सेवा में डबल लाइट, जिम्मेवारी सेवा में आ गया, बीमारी में संबंधों में आ गया। हाँ, तो पहले है देह के तल पर, देह के तल पर हमें डबल लाइट बनना है। तो देह में, देह का भान जब रहता है तो ऑलरेडी वो एक बोझ हो जाता है, फिर वहां रहते हुए हम व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, या अपनी बीमारियां होती है, या किसी वस्तु के प्रभाव में आते, या वातावरण के प्रभाव में आते, वायुमंडल के प्रभाव में आते, वैभव के प्रभाव में आते हैं। तो ये जब सब प्रभाव हमारे, इन सब बातों के प्रभाव में हम रहते हैं, क्यों रहते हैं हम? क्योंकि देहभान में रहते हैं। अगर देही अभिमानी स्थिति है तो इन सब बातों से हम परे हो जाते हैं। तो जब इनके प्रभाव में आते हैं तो आत्मा पर बोझ चढ़ जाता है। क्यों क्यों बोझ चढ़ता है? श्रीमत का उल्लंघन, बहुत अच्छा आंसर है। और इनके जब हम प्रभाव में रहते हैं, बाबा के प्रभाव से दूर हो जाते हैं और उसी बातों का चिंतन करते हैं। हम नॉर्मल भी, हम दिन भर में देखें, हम कितना समय बॉडी कॉन्शियस रहते हैं और कितना समय देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति तो सिर्फ योग में बैठते तब भी बड़ी मुश्किल से होती, मतलब पूरा टाइम नहीं हो पाती है। तो कारोबार में तो बात ही अलग होती है, कारोबार में तो वही हम सेवा कर रहे हैं बाबा की, लेकिन बाबा ही याद नहीं रहता है। तो इतना उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, अर्थात हम प्रभावित हो जाते हैं। चाहे साथी संबंधी साथ में जो आते हैं वो लोग हैं, चाहे हमारे पास आने जाने वाले लोग होते हैं, तो जिसके भी हम संपर्क में आते हैं, या कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है जहां भी हम रहते हैं, कुछ माहौल ऐसा बन जाता, कुछ बात ऐसी हो जाती है, या कोई हमारी वस्तु होती है, तो इन सब बातों के हम प्रभाव में रहते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम अपना कारोबार करते हैं। तो जहां जहां जिस जिस बात के हम प्रभाव में हैं, वहां हमारी बुद्धि बार बार जाती है। इसलिए कहते हैं ना, जब योग में बैठते हैं तभी सारी बातें याद आती, दिन भर ऐसे नहीं आएगी, मतलब जिस बात के बारे में हम अभी चिंता नहीं कर रहे हैं लेकिन वो योग में बैठने के बाद याद आती। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि क्योंकि हाँ, तो वो जो बात का, कोई बात के जो हमारे इम्प्रेशन या इम्प्रिंट जो बात हमारे अंदर हो जाती है, तो वो उस टाइम हमारे, हमें वहां याद आती है। तो बुद्धि वहां बार 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 खींचती है और वो बुद्धि खींचने के कारण हम बोझिल हो जाते हैं। व्यर्थ में देखो, हम व्यर्थ में टाइम कैसे चला जाता पता ही नहीं चलता है। नेगेटिव का तो फिर भी हमें पता चलता है कि ऐसे हम नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बार बार आएगा, फिर भी हम उसको बार बार नेगेटिव सोचते, बार बार छोड़ने का प्रयास करते। लेकिन जब व्यर्थ चलता है तो उसका कुछ पता ही नहीं चलता है, और उसका बाबा बोलता है व्यर्थ का भी बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। तो वो व्यर्थ संकल्प करते करते उसका कब नेगेटिव में परिवर्तन हो जाता वो भी नहीं पता चलता है, तो उसका एक बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। तो यहाँ देह के तल पर फर्स्ट हमें हल्का होना है, डबल लाइट होना है। तो वहां हर बात हमें, हर बार हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीज के हम प्रभाव में आ रहे हैं और कैसे हमें उससे मुक्त होना है। दूसरा है परिवार का, परिवार के तल पे मतलब संबंध संपर्क में वो आ जाता है, फिर भी जब जो ट्रस्टी होगा वो परिवार के तल पे कैसे रहेगा? परिवार में रहते या संबंध संपर्क में रहते, या कोई हम जहाँ बिजनेस है हमारा, जहाँ वर्क प्लेस है, वहां रहते हुए वो कैसे रहेगा? नहीं, ट्रस्टी रहेगा, लेकिन ट्रस्टी कैसे रहेगा? न्यारा प्यारा होगा, निर्माण भाव से चलेगा। तो वहां रहते हुए उसका एक लक्ष्य रहेगा कि जो कुछ भी हो रहा है उसके तरफ मुझे ध्यान नहीं देना। जैसे परिवार का मुखिया होता है, वो क्या करता है? सबके अवगुण जानता है ना, ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, लेकिन वो कभी उनको उस हिसाब से चिल्ला के डांट के ही नहीं सुधारता है। वो उनके अवगुणों को
कैसे गुणों में परिवर्तित किया जाए, तो उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाकर उनको परिवर्तित करेगा, उनके ऊपर कोई भी बोझ नहीं डालेगा, प्रेशर नहीं डालेगा कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे। तो हम भी वैसे संगठन में रहते हैं तो हरेक के अपने अपने स्वभाव संस्कार है, हरेक अलग अलग डाली का फूल है, तो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, तो सबके अपने अपने संस्कार है, है? एक तो बैकग्राउंड है, एक खुद के भी संस्कार होते हैं। तो वो टकराव कब होता है, जब हम मतलब सेवा में आते हैं तो वहां टकराव हो जाता है, तो वो उनके अवगुण ना देखते हुए उनके गुणों को देखना है और उनके लिए एक शुभावना रखना है कि उनकी उन्नति कैसे हो, उनके लिए भी एक सकाश देना है, तो हम उनके प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। जैसे अभी हीना बहन ने बताया ना कि गॉसिपिंग, तो ये गॉसिपिंग जब करते हैं उसका अननेसेसरी हम एक वातावरण बना लेते हैं, है ना, जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ एक ये कॉम्प्लेक्स में एक प्रॉब्लम हो गई, उसके बारे में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है वहां पे, लेकिन हम उसके बारे में बहुत सारी चर्चा कर देते हैं और ढूंढते रहते हैं कि किससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, कि कुछ आगे बढ़ा क्या भाई, कुछ मालूम है क्या, ये ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऐसा पूछ के हम अपना एक वातावरण बना लेते हैं और बिना मतलब का बोझ चढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर हम उस लेवल, हम ये सोचे कि ये भी हमारा एक परिवार है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है, तो हम ये सोचे कि हमें इसको सॉर्ट आउट हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम उस प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम इतना कर सकते हैं कि कोई अगर उसके बारे में बहुत चर्चा कर रहा है तो उसको हम तब सुना सकते हैं कि भाई छोड़ दो, जिसका जो पार्ट है वो चल रहा है, वो कर रहा है, हम क्यों अपना व्यर्थ में टाइम गंवाएं। तो इस प्रकार से हम खुद भी हल्के रह के उनको भी कर सकते हैं हल्का। और तीसरी बात है सेवा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि वहाँ टकराव भी बहुत होता है, मैपन बहुत आ जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं हम ही बहुत सेवा कर रहे हैं। एक वो कहते हैं ना, एक बैलगाड़ी चल रही होती है, उसके नीचे कुत्ता चल रहा होता है, तो बाद में जब एक गंतव्य तक जब पहुंच जाते हैं तो कुत्ता कहता है देखो मैंने इतनी बड़ी बैलगाड़ी वहां तक लेके आया। उसको ये पता ही नहीं होती है कि बैलगाड़ी के लिए उसके अपने खुद वो व्हील्स है और उसके वो बैल है, वो सब चला रहे हैं, वो समझता है कि मैं ही सारी दुनिया का बोझ ढा रहा हूँ, मैं ही सब कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से सेवाओं में भी ऐसे होता है कि सेवा बाबा की है, करने वाला वो है, कराने वाला वो है, हम तो केवल इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन हम अपने इंस्ट्रूमेंट भाव को भूल जाते हैं और हमको क्योंकि हम इतने देह भान में होते हैं कि हम समझते हैं हम ही कर रहे हैं सारा, हम नहीं करेंगे तो शायद ये काम होगा ही नहीं। कई बार ऐसे बोलने में भी आता है, हमारे भी मुख से कभी निकलता है भाई हमें इसलिए इतना सहन कर रहे हैं, हमें इसलिए इतना कर रहे हैं सेवा, दूसरा कोई होता तो नहीं, क्यों नहीं कर सकता था, हमारे से और भी ज्यादा अच्छा कर सकता है दूसरा सेवा, और भी अच्छा सहन करता है हमारे से, हम तो फिर भी वर्णन कर रहे, वो वर्णन भी नहीं करेगा, हमसे अच्छा पुरुषार्थी होगा। तो हम जब ये सेवा में देखते हैं कि हम कर रहे हैं, मैंने इतना किया है, मतलब मैंने धन लगाया, मैं इतनी हड्डी सेवा कर रहे हो, ये कर रहा है, तो उस भाव में जब हम रहते हैं तो हम अपने आप को बोझिल कर रहते हैं, है ना, तो उसमें भी हमें डबल लाइट रहना है। इसलिए बाबा ने कहा है कि चेक करो बॉडी कॉन्शियस अर्थात देह भान में कितना समय रहते हो। और दूसरा है कि मेरापन, मेरापन बाबा ने कहा है समाप्त करना है, कि तन मन धन सब कुछ जब बाबा को दे दिया है, सब बाबा का हो गया है, तो मेरापन कहाँ से आया। अगर हम सेवाओं में नामन, पहले जब सेवा करने आते हैं तब तो बड़ी भावना से आते हैं, बाद में इसको उसको 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 देख के फिर हम भी नामन छन चाहते हैं, है ना, तन दे दिया है, मन दे दिया है, धन दे दिया, तो अगर हमारा कुछ है ही नहीं तो उसमें मेरापन कहाँ से आएगा। तो ये बहुत बड़ी साधना है, एकदम से तो नहीं होती है, लेकिन हर समय हम अटेंशन रख के अपने आप को ठीक कर सकते हैं, है ना। तो मान छान की जब बात होती है, बाबा कहता है कि अभी अभी दिया और अभी अभी लिया, तो ये खेल करते हो। दो तीन दिन पहले की मुरली में भी आया था कि बच्चे देते भी और फिर वापिस भी ले लेते हैं, और ऐसे लोगों का क्या पद होगा सतयुग में, वो सब जानते हैं, है ना, जानते हैं ना सब, नहीं दो तीन दिन पहले भी आया था, हाँ आया था, तो जो देख के वापिस लेते हैं, हाँ उच्च पद नहीं होगा, ये अच्छा शब्द है, उनका उच्च पद नहीं, उनका पद बहुत नीचे चला जाएगा, हाँ किसी को, क्योंकि हम अभी सर्टिफाई नहीं कर सकते किसी को, तो वो उनका पद बहुत नीचे होगा, हो जाएगा।
इसलिए जब मेरापन कहीं भी नहीं रखना है, वो बाबा ने दिया है। देखो बाबा ने हमें हमारा भाग्य बनाने के लिए सब सेवाएं दी है, जो जो भी हम यज्ञ में सफल कर रहे, चाहे अपना मन सफल कर रहे, तन सफल कर रहे, धन सफल कर रहे, संकल्प सफल कर रहे, श्वास समय सब कुछ सफल कर रहे, तो वो कोई हम भगवान के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम केवल खुद पे ही उपकार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 21 जन्मों का भाग्य हम बना रहे हैं। अगर हम यही वर्णन करते रहेंगे हमने किया, तो वो जैसे कहते हैं ना, बाहर लोग डोनेशन देते हैं, कोई प्याऊ लगाते हैं, कोई मंदिर में डोनेशन देते हैं, तो वहां नाम लिख देते हैं। वैसे तो भारत में गुप्त दान का बहुत महत्व है, बोलते हैं एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, ये भी कहते हैं, और ऊपर वहां फिर नाम भी लिख देते हैं। तो जितने बार जो नाम पढ़ता है, मैं सोचता है कि भाई देखो इतने सेठ ने इतने दिया है, इसने इतना प्याऊ लगाया, कितना पुण्य जमा होता होगा, वो शुभ भावना से भी सोचता है, तो भी इसका पुण्य यहाँ माइनस हो जाता है। और वो इस तरह से लिखते हैं ना वहां पे, बिल्कुल वो स्लेट पे ऐसा, मतलब जी गोल्डन अक्षर में लिखते हैं, कार्व करते हैं, तो कुछ जिंदगी भर वो मिटना नहीं चाहिए। प्रेरणा भावना देने वाले की भावना या लिखने वाले लिखवाते हैं, तब उसकी भावना कैसी वो भी मालूम होना चाहिए ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। गुड आइडिया। हाँ वो तो फिर भी उनका पुण्य तो कम ही हो जाता ना, करने वाले ने किया है अपने माँ बाप के लिए, बहुत भावना से किया, लेकिन नाम लिखता है तो जिसके नाम से किया उसका भी थोड़ा पुण्य कम हो जाता है। तो लेकिन ये कार्मिक फिलोसॉफी वो लोग नहीं समझते हैं, तो वो लिख लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी अगर हम बार बार हम कहते हैं कि हमने इतना किया इतना किया इतना किया, ये कर रहे वो कर रहे हैं, हमारी आइडियाज इतनी ब्रिलियंट है, हमारी आइडिया के कारण ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हो गया है, तो ये सब करते हैं तो हमारा जो है मेरापन आ जाता है, और मेरापन आ जाता है तो हमारा भाग्य और पुण्य कम हो जाता है। हम अभी बीच में एक सेंटर पे गए थे, वहाँ प्रोग्राम था बहुत बड़ा, तो वहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, सब कुछ था, प्रोग्राम बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो गए, तो हम वो बहन को बार बार कहते थे कि कितना अच्छा, कितनी अच्छा, मतलब सबने सेवा की है, कितना अच्छा हो गया आपके, तो बहन कोई भी क्रेडिट नहीं लेती थी, जितने बार भी उसको जितने लोगों ने बोला वो सबसे यही बोलते थे कि ये सब टीम वर्क है, हमारा अकेले का कुछ नहीं है, हालांकि उसकी गाइडेंस के अंडर सब कुछ चल रहा था। तो बहुत अच्छी बात लगी, वो जितने भी बार बोले एक बार भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया किसी के भी थ्रू कि हाँ किया या बाबा ने कराया, ये भी नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि पता है बाबा कई बार होता है कि हम सर हमेशा एग्जाम्पल देते कि करा रहा है बाबा ऐसा बोलते, लेकिन अंदर में वो भाव होता है कि मैंने किया है। तो वो बहन ने वो भी नहीं बोला, बाबा का काम है, सभी ने टीम वर्क है, टीम वर्क ने सबने किया है, तो सबके इसमें मार्क्स है, सबके एफर्ट्स है, इसमें किसी एक का वो नहीं है। तो बहुत अच्छी लगी हमको वो बात, वो बहन की। तो यहाँ जब मेरापन इस प्रकार से भी हम समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ मेरापन होता है वहाँ पे बाबा ने ऐसे नहीं होता है, बाबा के घर में तो काम अधिकतर सब मिलके ही होता है। हाँ डिपार्टमेंट वाइज फिर भी अलग होता है, यहाँ डिपार्टमेंट में हम अकेले अकेले होते हैं, दो लोग होते हैं, तो बड़ी सेवाओं में बाकी तो बाबा वो भी कंबाइंड हो गया, तो अकेले नहीं है आप, क्योंकि सेवा बाबा की है। हम देखो हम जो आइडियाज हम सोचते हैं ना, हमें हमको ऐसे आइडिया है, लेकिन नहीं, बाबा आपको इंस्ट्रूमेंट बना के वो आइडियाज आपको देता है। भाई वो नहीं, ज्ञान देने के लिए बाबा कहते हैं कि कोई ब्राह्मणी अगर अच्छी नहीं भी होगी लेकिन सामने वाला अच्छा होगा, तो बाबा उसमें उस टाइम प्रवेश करके उसको ज्ञान दे देता है। तो ये अगर वो समझता है कि नहीं मैंने किया तो क्या होगा फिर, तो उस टाइम भी बाबा मदद करता है ना हमें, क्योंकि हम बाबा की सेवा में तत्पर है, इसलिए हमें बाबा की मदद मिलती है। बाबा हर पल हमारे साथ में है, और बाबा हर पल हमें गाइड करता है, डायरेक्शंस देता है, और हम सोचते हैं कि हम ही कर रहे हैं सब कुछ, तो वो नहीं होना चाहिए। इसमें मेरापन नहीं, जहाँ मेरापन होता है वहाँ लगाव होता है। तो लगाव कहाँ कहाँ होता है? लगाव व्यक्ति में होता है, वस्तुओं में होता है, वैभव में होता है, पद पोजिशन में होता है, भोजन में होता है, आदतों से भी होता है, विशेषताओं से लगाव होता है। तो इन सब बातों में इतनी सारी अगर लगाव के वो निकालेंगे बहुत सारी बातें निकलेगी। तो जहां जहां भी लगाव है, लगाव मेरापन है अर्थात लगाव है, और जी शत्रु से लगाव
वो भी एक टाइप का अटैचमेंट है, नेगेटिव अटैचमेंट। ये अटैचमेंट टोटली नेगेटिव है, उसमें और भी नेगेटिविटी ऐड हो जाती है। तो जहां लगाव होता है वहां उसकी प्राप्ति क्या है लगाव की? बुद्धि बार बार जाती है और अनंत दुख की प्राप्ति होती है। थोड़ी नहीं, अनंत। संबंधों में जब लगाव होता है तो थोड़ा समय हमें सुख मिलता है, लेकिन वही व्यक्ति नहीं है, साथ में नहीं है, दूर है, डिपेंडेंसी हो जाती है तो भी बहुत दुख होता है ना। तो ये लगाव, बाबा कहता है कि जहां मेरापन है वहां लगाव होता है, और अगर हम ट्रस्टी है तो ये लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही बाबा ने कहा कि तन मन धन सब बाबा को दे दिया है। तो यहाँ बाद में ये मेरापन और लगाव फिर आ ही नहीं सकता अगर पहले ये भावना है तो। तो जो ट्रस्टी वाला होता है, लगाव होता है तो बंधन आ जाता है, जो ट्रस्टी होता है वो बंधन वाला नहीं होता है, स्वतंत्र आत्मा होता है। और किसी भी आकर्षण में अगर परतंत्र होना भी ट्रस्टीपन नहीं है, ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र आत्मा। तो कहाँ कहाँ हमें स्वतंत्र बनना है ये भी देखना है, क्योंकि देखो कईयों हर व्यक्ति की हर जगह से स्वतंत्र कहाँ किन किन बातों में होना है या कहाँ कहाँ बंधन है, वो हर एक के अपने अपने बंधन अलग अलग है। और बहुत सटल लेवल पे बंधन होते हैं वो हम मालूम नहीं पड़ते हैं, इसलिए डिपेंडेंसी का भी, जो डिपेंडेंसी होती है वो भी एक बहुत बड़ा बंधन है। तो कितनी बातों पर हमारी डिपेंडेंसी है, किन किन बातों में हम प्रभाव में गए हैं, किन बातों के बिना हम रह नहीं सकते, या किस व्यक्ति वस्तु जो भी है, तो ये सब बातें जो है वो बंधन वाली है। मन की सूक्ष्म जंजीरें जो है वो, लगाव की जंजीरें, वो इतनी महीन होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे नहीं कंफर्ट जोन हम बना लेते हैं, वो भी एक बंधन है कि हमें यहीं बैठना अच्छा लगता है। जैसे हम लोग जब समर्पित होते हैं तो समर्पित लोगों के एक ना फॉर्म भरा जाता है, निश्चय पत्र, तो उसमें क्या लिखते हैं कि जहां बिठाए जो खिलाए जैसे रखे वैसे हम रहेंगे। और लेकिन क्या होता है वो सिर्फ लिखने तक ही हो जाता। पहले जब बाबा था तो बाबा 108 बार लिखवा लेता था कि वो पक्का हो जाए, और हर साल और कई साल पहले तक, मतलब अभी शायद 20-25 साल पहले तक का ऐसा था कि हर साल हरे जितने भी समर्पित है उनसे लिखवा लेते थे निश्चय पत्र कि आप निश्चय पत्र लिखो। 2-3 साल पहले वो भट्टी जो हुई थी बहनों की, उसमें भी लिखवा लिया था कि निश्चय पत्र लिखो। वो क्यों रिवाइज कराते बार बार? क्योंकि वो जहां हम चले जाते, जहां रहते, तो वहां एक कंफर्ट जोन बन जाता है, वहां पे हमें पोस्ट पोजीशन मिल जाता है, वहां के लोगों से हम अगर मान लो घुल मिल गए या वहां, तो वही वातावरण अच्छा लगता है। तो फिर वो जहां बिठाए जहां खिलाए वो सारी प्रतिज्ञा भूल जाती है, तो फिर वो बंधन हो जाता है ना। कंफर्ट जोन बना लिया मतलब अगर हमें, अगर अभी कहते हैं तो हम भी इस बंधन में कि हम मधुबन में हैं, अगर मधुबन से बाहर जाने के लिए कहेंगे तो हमको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम अपनी बात बता रहे हैं, हम और किसी की नहीं। हाँ नहीं, लेकिन अटैचमेंट तो है ना भाई। अगर हमारा अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है, तो हम एकदम रेडी होना चाहिए कि आज अगर हमको क्योंकि यहाँ का ऐसा एक सिस्टम बन गया हमारा, क्या सहज भाग्य बन रहा है। हालांकि सेंटर वाले बहने भी अगर उनको देखा जाए तो वो भी लोग मधुबन में नहीं रह सकते, हमने देखा है, क्योंकि उनकी रहने की सिस्टम अलग होती, उनका रहने सब ढंग अलग हो जाता है, हम लोगों का अलग हो जाता है, तो थोड़ा वो एडजस्टमेंट करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन यही है कि सबसे बड़ा मुझे पेपर यही लगता है कि हमको अगर कहीं भेजा जाए तो हम वहां एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं, खुद के लिए ही डाउट है। तो इसका एक बहुत बड़ा अभ्यास है और वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये बाबा ने कहा है कि ट्रस्टी में उसको स्वतंत्र रहना है कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी है, तो किसी भी बंधन में नहीं फंसेंगे। और अगर इस बंधन में मेरापन अगर समाप्त करना है तो उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छे स्वमान दिए हैं, तो वो स्वमान का हमें अभ्यास करना है, है ना, मेरा लगाव समाप्त करने के लिए, कि मैं निमित्त हूँ, लगाव मुक्त आत्मा हूँ, मैं करण करावनहार बाबा है, मैं आत्मा करणहार हूँ। तो ये बहुत अच्छे स्वमान है, उन स्वमान की भी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी बंधन में नहीं आएंगे। और देह के लगाव से मुक्त होने के लिए सबसे अच्छी पॉइंट है, सब मरे पड़े हैं, आज नहीं तो कल, मतलब सबको जाना ही है ना। मैं मरी पड़ी हूँ। एक सूरज भाई ने बहुत अच्छा अभ्यास बताया था,
काफी साल पहले हमने जब घर में थे तब क्लास सुनते थे, तो वो एक सुना था एक क्लास की योग में वो प्रैक्टिस करना है कि ये मेरा जो शरीर है वो धीरे धीरे मोम की तरह पिघलता जा रहा है और बची केवल मैं एक आत्मा, जैसे लौ, जैसे मैं आत्मा चमक रही हूँ वो बच गई है और सभी